अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल लहसुन चना की रेसिपी। ये रेसिपी एकदम सिंपल और इजी तरीके से हम घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3-4 घंटे के लिए ये बड़े वाले चने भिगा के रख दिए थे। अभी इसे 2-3 पानी से वॉश करके इसे हमें कुकर में डाल देना है। इसे हमें बॉईल कर लेना है। इसमें 3 ग्लास हम पानी डाल देंगे। आप अपने चने के हिसाब से पानी डालें। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और हल्की सी हल्दी डाल देंगे। अब हमें कुकर का लीड लगा कर हाई फ्लेम पे 1 सीटी और स्लो फ्लेम पे 2 सीटी ले लेना है। चने हमें 90% तक गला लेने। अब हम दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा सा एक तसला ले लेंगे या आप बड़ा सा बाउल ले लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे क्योंकि बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाले थे। हल्का सा इसमें काला नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर डाल देंगे और हल्की सी हींग डाल देंगे। अब इसमें हमने 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दिए। अब इसमें 1 अंडा डाल देंगे। अगर हमें लगेगा अंडा कम है तो इसमें और 1 अंडा डाल देंगे। अब इसके अंदर हम रेड फूड कलर डाल देंगे। हमें ढाबा स्टाइल चने बनाने हैं तो इसमें रेड फूड कलर डालना ज़रूरी है। अब इसके अंदर हमें डालना है 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हमने 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल दिए। अब इसमें 2 चम्मच हम मैदे का आटा भी डाल देंगे। 4 चम्मच के हिसाब से हम इसमें 2 चम्मच मैदा का आटा डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। इसमें अब हल्का हल्का पानी डाल के हमें इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। बैटर बनाते वक्त इसमें आप 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस भी डाल लीजिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। अभी इसे अच्छे से हमें बैटर को मिक्स कर लेना है। अब बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ हम 5-6 लहसुन की कली ले लेंगे। उसे छिलके के साथ हम वॉश कर लेंगे पहला और फिर उसके अंदर कट लगा के रख देंगे। अब ये चने हमारे हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं और बॉईल भी हो चुके हैं। अभी इसे मसाले में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है कि चने को मसाला अच्छे से लग जाए। अब चने में मसाला अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अभी इसे साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम होने पहले से ही हमने रख दिए। अब जो लहसुन हमने चीरा लगा के रखे थे वो एक छन्नी में डाल के हमें फ्राई कर लेना है। चीरा लगाने से लहसुन हमारा तेल में उड़ेगा नहीं। हल्का सा हमने लहसुन को भी फ्राई करके ले लिया। अभी उसे एक प्लेट में रख देंगे और चने को एक एक करके हमें तेल में फ्राई कर लेना है। चने को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। चना ऑलरेडी हमारा गला हुआ है। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से हमारे चने अच्छे से कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। अब चने अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। उसका सारा तेल निकाल कर हमें एक प्लेट में टिश्यू रख के निकाल लेना है और इसे गर्मा गर्म हमें सर्व करना है। ये तरीके से सारे चनों को हम फ्राई कर लेंगे। अब हमारे गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल लहसुन चना बनकर रेडी है। ऊपर से हम हल्का सा चाट मसाला डाल देंगे और इसे सेजवान चटनी के साथ सर्व करेंगे और ऊपर से हमने जो लहसुन फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। अब इसे आप सर्व कर सकते हो। सिंपल और इजी तरीके से ये ढाबा स्टाइल चने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।